सुरीले दिनों की दास्तान सुनने वाले तमाम दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ वजहों से काफी दिनों से हम कोई नया एपिसोड नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज हम जिस गायिका की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं वे हैं गान तपस्विनी के खिताब से नवाजी गई हिंदुस्तान के छोटे से सूबे गोवा की गायिका मोगूबाई कुर्डिकर। इस एपिसोड को पेश करने से पहले हमने कुछ तब्दीलियों के मुतालिक आपकी राय मांगी थी। ज्यादातर लोगों की यह राय हुई कि वीडियो और कमेंट्री के बीच पेश किए जाने वाले संबंधित कलाकार की दुर्लभ आवाज के समय में कटौती नहीं किया जाए, तो हम किसी चीज में कटौती नहीं करने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अतरौली घराने की बेहद मुश्किल गायकी का अध्ययन महाराष्ट्र में कई लोगों ने किया है, लेकिन इस रवायत में अग्रणी गायक होने का सम्मान गोवा की सुरश्री केसरबाई केरकर और गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डिकर को जाता है। केसरबाई केरकर और मोगूबाई कुर्डिकर जैसी गायिका ने अपनी पिछली पीढ़ियों को देखा था कि वे लोग किस ऊंचाई तक संगीत को ले गए, इसलिए इन दोनों ने गोवा की संगीत की परंपरा को एक नया चरित्र और नया विस्तार दिया। मोगूबाई को संगीत की खोज के सिलसिले में कुछ नाखुशगवार और तलख तजुर्बे भी हुए, लेकिन उन्होंने इन तजुर्बों का अपनी मौसिकी को और बेहतर करने और निखारने में बेहतर इस्तेमाल किया। एक तरफ घर चलाने की चिंता तो दूसरी तरफ भविष्य को बेहतर करने की परवाह को लेकर वे दोनों मोर्चे पर डटी रहीं। इस तरह वे दुनियावी तालीम और तालीम मौसिकी हासिल करती रहीं। लेकिन उनकी बेहतर गायकी का राज इसमें छिपा है कि वे अपनी कोशिशों से कभी पूरी तरह मुतमईन नहीं रहीं। वे हमेशा असंतुष्ट रहती थी अपूर्णता की भावना से पीड़ित, लेकिन यह अपूर्णता की भावना ही थी जिसने उनकी जैसी दुर्लभ प्रतिभा का लगातार एक साय की तरह साथ दिया और वे अपनी बनाई कसौटी को ही तोड़ती हुई आगे बढ़ती रही। 15 जुलाई सन 1904 को पुर्तगाल के एक उपनिवेश गोवा के कुर्डी में पैदा हुई मोगूबाई एक गैर मामूली कलाकार थी, बावजूद इसके किस्मत जैसे उनके साथ नहीं थी। उस वक्त गोवा का कलावंत समुदाय एक क्रांति के दौर से गुजर रहा था और मोगूबाई के कुनबे का ताल्लुक इसी समुदाय से था। मोगूबाई की मां जयश्रीबाई चाहती थी कि उनकी बेटी एक नामी गायिका बने और अपने खानदान का नाम रोशन करे। मोगूबाई की उम्र जब महज 7 बरस की थी तो मौसिकी की तालीम दिलवाने के लिए उनकी मां उन्हें कुर्दी से जाम्बीबली लेकर गई। वहां उन्होंने उस जमाने के जाने माने उस्ताद हरिदास से बेटी को मौसिकी की तालीम देने की गुजारिश की। इस पर उन्होंने कहा, बाई, मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हूं, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। मैं यहां कब तक हूं और कब यहां से चला जाऊंगा यह मुझे खुद मालूम नहीं। लेकिन जयश्रीबाई जिद करती रही कि आप जब तक यहां हैं तब तक तो इसे तालीम दीजिए। इसके बाद हरिदास जब तक जाम्बीवली में रहे तब तक अच्छी तरह मोगूबाई को उन्होंने तालीम दी, लेकिन कुछ महीने के बाद वे वहां से चले गए तो मोगूबाई की तालीम में रुकावट पैदा हो गई। जबकि उनकी मां जयश्रीबाई ने अपनी बेटी को महान कलावंतों के साथ खड़ी होने लायक बनाने की कसम खाई थी, किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वे उन गुलुकारों से मिलें जो नाटक कंपनियों के साथ अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। उम्मीद से भरी जयश्रीबाई मोगूबाई को लेकर चंद्रेश्वर भूतनाथ संगीत मंडली नामक कंपनी में गई। वहां उन्होंने मोगूबाई को भर्ती करवा दिया और उसके बाद इस टूरिंग कंपनी के साथ वे शहर दर शहर घूमने लगी।
चंद्रेश्वर भूतनाथ संगीत मंडली उस समय की एक छोटी ड्रामा कंपनी थी। जिस शहर में यह कंपनी जाती उस शहर में उनके शो की हलचल 20-25 दिनों तक तो कभी कभी पूरे महीने तक चलती रहती थी। इस कंपनी का मालिक चालाक आदमी था। उसने जयश्री बाई की जरूरतों को पहचाना और फिर उनकी बेटी की सुरीली आवाज पर गौर किया। मोगू बाई की आवाज उन्हें अच्छी लगी तो उसे भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे किरदार के लिए ले लिया गया। अपनी बेटी के कंधों पर वक्त से पहले ही ऐसा बोझ डाल देना मां के लिए बेचैनी का सबब बन गया। दरअसल जयश्री बाई अपनी बेटी को एक बड़ी गायिका बनाना चाह रही थी, लेकिन अब वह चंद्रेश्वर भूतनाथ संगीत मंडली में थी जहां उसे अपनी कला दिखानी थी। अपनी कला को बेहतर करने की वहां उनके पास न तो वक्त था न इसकी गुंजाइश थी। यह बात उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, जिस वजह से वे बीमार हो गईं। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने ही गांव के एक आदमी बालकृष्ण पर्वतकर को सौंप दिया, जो उसी कंपनी के लिए काम करते थे जिसमें मोगूबाई थी। इंतकाल करने से पहले मोगू की वालिदा ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था, मोगू मेरी आत्मा हर समय तुम्हारे आसपास रहेगी और मेरी भटकती हुई आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम एक महान गायिका बनकर दिखाओगी। मोगू के बचकाने दिमाग को भले ही इस बात का कोई मतलब न निकला हो, लेकिन ये चंद अल्फाज खुद उनकी यादों में अंत तक बने रहे। जरा समझदार होने पर जब मोगू बाई को अपनी मां की कही हुई बातें याद आई तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे मुझे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, मैं अपनी संगीत सीखने की इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। मोगू बाई की मौत के बाद चंद्रेश्वर भूतनाथ मंडली के मालिकों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और कंपनी की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद मोगू बाई को अपने गांव लौट जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक और कंपनी सतारकर स्त्री संगीत मंडली से बुलावा आया। बालकृष्ण पर्वतकर ने रोजी रोटी के इस जरिए को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने फौरन इस ऑफर को कबूल कर लिया और मोगू बाई को इस कंपनी में भेज दिया। इस कंपनी में धीरे धीरे मोगू बाई द्वारा निभाई गई भूमिकाएं लोकप्रिय हो गई और उन्हें सौभद्र में सुभद्रा और पुण्य प्रभा में किंकिनी जैसी भूमिकाएं मिली। अब टिकट बेचने के लिए मोगू बाई का नाम ही काफी था। यहां रहते हुए मोगू बाई ने चिंतो बुआ गुरब से मौसिकी की तालीम लेने लगी और रामलाल से कथक सीखने लगी। इसके अलावा वे दत्ताराम नानोदकर से गजल की बारीकियां भी सीखती थी। शौकिया तौर पर उन्हें डांस मास्टर चुन्नीलाल और माजेल खान से डांस सीखने की कोशिश भी की थी, जिससे उन्हें मौसिकी की लयबद्ध पहलुओं को समझने में मदद मिली। बदकिस्मती से कुछ महीने के बाद ही सतारकर स्त्री संगीत मंडली की मालकिन के साथ मोगू बाई का झगड़ा हो गया और उन्हें यह कंपनी छोड़नी पड़ी। जब दूसरी बार उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा तो इससे उनको कितनी तकलीफें हुई होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्हें इस बात से और गहरी तकलीफ हो रही थी कि वे न तो अपनी मां की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मौसिकी की तालीम ले पा रही हैं और न ड्रामा कंपनी में कुछ बेहतर कर पा रही हैं। उनके हाथों से वक्त और जिंदगी दोनों फिसलती जा रही थी। सतारकर स्त्री संगीत मंडली छोड़ने के बाद
मोगू बीमार हो गई। एक डॉक्टर ने आबो हवा बदलने के लिए उन्हें कहीं और जाने का मशवरा दिया। तब उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत, जिन्हें मोगूबाई चाची कहती थी, उन्हें लेकर सांगली गई। सांगली महाराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी उन दिनों। सांगली में उनके कुछ जानने वालों ने कहा कि यहां आजकल उस्ताद इनायत खां साहब रहते हैं। मोगू ने सांगली में इनायत खां साहब से सीखना शुरू कर दिया, मगर जल्द ही किसी मामूली वजह से खां साहब ने उन्हें तालीम देना बंद कर दिया। यह उनके लिए फिर एक सदमा था। इसके बाद मोगू की तालीम तो बंद हो गई, लेकिन जो कुछ खां साहब ने उन्हें सिखाया था उसका रियाज वे करती रही। एक शाम वे इनायत खां साहब से सीखी गई एक पलटे का रियाज कर रही थी और आंखें बंद करके वह पूरी तरह मौसिकी में डूबी हुई थी। जब उनकी आंख खुली तो देखा उनके सामने फकीर की शक्ल में एक बुजुर्ग इंसान, एक बड़ी सफेद मूछें और गुलाबी पगड़ी पहने हुए एक शख्स खड़ा था। मोगूबाई की उंगलियां तानपुरा पर टिकी हुई थीं और उनके चेहरे पर सुकून का एक भाव था। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाती, फकीर की तरह दिखते उस इंसान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आप अपना रियाज जारी रखें, मैं आपका गाना रोज सुनता हूं, आज मैं आपसे खुद चलकर मिलने आया। उनकी गायकी की तारीफ करने वाले बुजुर्ग थे गान सम्राट के लकब से नवाजे गए उस्ताद अल्लाह दिया खां, जो उन दिनों सांगली के जाने माने डॉक्टर आबा साहेब सांबारे से इलाज करा रहे थे। मौसकी को लेकर मोगूबाई के भीतर की तड़प देखकर खां साहब ने मोगूबाई को तालीम देने की पेशकश की। अगले दिन उनके सामने मोगूबाई बैठी थी और उस्ताद ने राग मुल्तानी से पहला सबक शुरू किया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि मोगूबाई को तब तक यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि जिन उस्ताद अल्लाह दिया खां से वे तालीम हासिल कर रही थी उनका मौसिकी की दुनिया में क्या मकाम था। एक दिन जब मोगूबाई खां साहब का इलाज करने वाले डॉक्टर आबा साहब सांबारे के घर पर हुई जलसे में वे शामिल हुई, तब उन्हें यह समझ में आया कि वह किस ग्रेट मास्टर की शागिर्दा है। खां साहब स्टेज पर गाने के लिए तैयार थे और शहर के कुछ बेहद इज्जतदार लोगों ने जब खां साहब को झुक झुक कर सलाम पेश किया, तब मोगूबाई चौंक गई। फिर उन्हें फख्र हुआ कि वह किस कद के उस्ताद से तालीम हासिल कर रही हैं। उन्हें अपनी किस्मत से रस्क हो गया और वह इस कदर जज्बाती हो गई कि खुशी के मारे कांपने लगी। लेकिन उनकी यह खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि खां साहब को सांगली से बंबई निकलना था। अल्लाह दिया खां साहब से सीखते हुए मोगूबाई को अभी महज 18 महीने यानी 1.5 बरस ही हुआ था और इस दौरान उन्होंने मुल्तानी, तोड़ी, पूरिया धनाश्री और पूर्वी रागों में महारत हासिल कर ली थी। सन 1922 में मोगूबाई बंबई गई और बंबई के खेतबाड़ी इलाके में रहने के लिए उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। मोगूबाई के लिए यह वाकया उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिस पर वे यकीन नहीं कर सकती थी। यह एक खूबसूरत सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यह सपना नहीं सच था। खां साहब के पास वे लौट आई थी। इसके बाद बिना किसी हलचल के उन्होंने अल्लाह दिया खां साहब से गंडा बंधवाने के लिए बाकायदा गंडा बंधन समारोह करने की व्यवस्था की। उस्ताद अल्लाह दिया खां साहब ने अब तक उन्हें जो तालीम दी थी उसके एवज में उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। मोगूबाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ जब उसने देखा कि
कि खां साहब खुद उन्हें पलटा सिखा रहे थे और बतौर शागिर्दा उन्होंने उन्हें कबूल कर लिया था। मगर थोड़े समय के बाद वहां एक अजीब तमाशा हुआ कि खां साहब जिन रईस और जमींदार शागिर्दों के उस्ताद थे, उन्हें यह गवारा नहीं हुआ कि उनके उस्ताद उनके साथ साथ इस मामूली लड़की को भी तालीम दे। नतीजा यह हुआ कि खां साहब ने उन्हें तालीम देना बंद कर दिया और अपने भाई हैदर खां साहब से सीखने को कहा। 4-5 बरस तक उन्होंने हैदर खां साहब से तालीम ली, लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। वक्त बदला तो मौसिकी के एक जलसे में मोगूबाई को खां साहब ने अपने घराने की गायकों की फहरिस्त में एक अहम गायिका के तौर पर शामिल किया और उनकी तारीफ की। ये दिन वाकई मोगूबाई की जिंदगी का एक सुनहरा दिन था। एक और जलसे में मोगूबाई ने खां साहब के दीगर शागिर्दों के साथ मंच साझा किया। संगीत के पारखी लोगों ने मोगूबाई के उम्दा गाने और गैर मामूली टैलेंट की खूब तारीफ की। लय भास्कर खपरू जी ने मोगूबाई के ताल की शुद्धता की खूब तारीफ की, जिसे उन्होंने सालों की अथक मेहनत से हासिल किया था। उन्होंने अपनी माँ से जो वादा किया था, वह वादा अब पूरा हो गया था। आगे चलकर मोगूबाई को भारत की महान गायिकाओं में शुमार किया गया। कहते हैं कि मोगूबाई को सामने बैठकर गाते हुए सुनना मौसिकी के कद्रदानों के लिए एक नायाब तोहफा माना जाता था। मोगूबाई की शादी माधवदास भाटिया से हुई थी, जिनसे उन्हें 3 बेटियां हुईं। 10 अप्रैल 1932 को पैदा हुई उनकी बेटी किशोरी अमोनकर दान सरस्वती के रूप में जानी गई। अभी उनकी बेटियां छोटी ही थी कि सन 1939 में उनके पति भाटिया साहब गुजर गए। उसके बाद अपने घर और मौसिकी दोनों की जिम्मेदारी मोगूबाई कुर्डिकर के कंधे पर आ गई। सन 1940 में वे हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में गाने के लिए जाने लगी। अपने गायन से वे जयपुर अतरौली घराने की एक प्रमुख गायिका के रूप में उभर कर सामने आई। वे अपने शागिर्दों को खूब मेहनत से मौसिकी की तालीम देती थी। उनके शागिर्द उन्हें माई कहकर बुलाते थे। उनकी बेटी और उनकी प्रमुख शिष्या किशोरी अमोनकर के अलावा कौशल्या मंजेश्वर, पद्मा तलवलकर, कमल तांबे, बामन राव देश पांडे, बावन राव हल्दनकर, सुहासिनी मुलगांवकर और डॉक्टर अरुण द्रविड़ का नाम उनके प्रमुख शागिर्दों के रूप में लिया जाता है। उनके शागिर्दों ने मौसिकी के हलके में खूब नाम कमाया। मोगूबाई कुर्डिकर ने उस दौर में स्टेज पर अपना गाना पेश किया था जब फीमेल सिंगर्स को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उनकी बेटी किशोरी अमोनकर ने एक इंटरव्यू में एक बार बताया कि मोगूबाई को एक जगह प्रोग्राम देने के लिए ट्रेन के 3rd क्लास में सफर करके जाना पड़ा और प्रोग्राम के बाद उन्हें तयशुदा से कम रकम का भुगतान किया गया। मेजबानों ने ऐसा घटिया व्यवहार किया कि रहने के लिए उन्हें गेस्ट हाउस तक नहीं दिया गया। इस वजह से उन्हें अपने एक जानने वाले के घर पर ठहरना पड़ा था। मोगूबाई ने अपनी कामयाबियों से इस धारणा को नकार दिया कि सिर्फ दौलतमंद आदमी ही मौसिकी की रवायत को आगे बढ़ा सकता है। कभी कभार ऐसी नौबत भी आई जब उन्हें महज पानी पीकर भूख को बहलाना पड़ा। इसके एवज में उन्हें वह मिला जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ताज्जुब की बात यह है कि वे किसी तरह के प्रचार से कतराती थी, जिसका नुकसान यह हुआ कि वे जितना डिजर्व करती थी उससे कम शोहरत उन्हें मिली। आखिरकार यह किस्मत तय करता है कि कोई कितना कामयाब या लोकप्रिय है। 96 साल की उम्र में 10 फरवरी सन 2001 को मोगूबाई इंतकाल कर गई। तो यह थी मोगूबाई की दास्ताने जिंदगी और दास्ताने मौसिकी। अब हम रेगुलर तौर पर आपके लिए गुजरे दौर के फनकारों की दास्तान लेकर हाजिर होती रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।